नारी अगर पति का नाम लेती है तो उसकी आयु तिल भर की छिन्न होती चली जाती है। कितना? तिल भर। स्कंद पुराण में लिखा है तिल भर की आयु छिन्न होती चली जाती। नारी ज्येष्ठ पुत्र का नाम लेती है, हाँ ज्येष्ठ में अगर बेटी है तो उसका नाम ले सकती है, पर ज्येष्ठ पुत्र बड़ा पुत्र है और पुत्र का नाम लेती है तो उस बालक की कभी उन्नति नहीं हो सकती। तन से, मन से या धन से वो बालक हमेशा दुखी ही रहेगा। तुम दुनिया का सारा सपोर्ट कर दो, तुम चाहे अपनी प्रॉपर्टी बड़े बेटे के नाम कर दो, तुम चाहे पूरा दुनिया भर का सुख अपने बेटे के सामने लाकर खड़ा कर दो, तो भी अगर मां अपने बड़े पुत्र का नाम बार बार लेती है तो वो पुत्र या तो तन से या मन से या धन से दुखी ही मिलेगा, वो सुख नहीं पा सकता। और जिन जिन के घर में बड़ा पुत्र हो और बड़े पुत्र का नाम आप माताएं लेती हो तो उसकी दशा जरूर देख लेना एक बार। हो कथा गलत नहीं कह सकती, स्कंद पुराण कभी गलत नहीं जा सकती। आपके घर में भी अगर बड़ा पुत्र हो और पुत्र का नाम अगर आप ले रहे हो, हाँ ये जरूर है, अगर बेटी बड़ी और उसके बाद पुत्र बड़ा है तो वो ज्येष्ठ नहीं माना जाएगा, ध्यान रखना। ज्येष्ठ का मतलब होता है सबसे बड़ा पुत्र, उसके बाद सारे बच्चों का जन्म हुआ, क्योंकि बेटी अगर जन्म ले ली पहले फिर बेटा हुआ तो बेटी ज्येष्ठ कहलाएगा, बेटा नहीं कहलाएगा। अगर पहला ज्येष्ठ पुत्र है तो माँ सारी प्रॉपर्टी दे दे, सारा वैभव दे दे, माँ सारा दौलत दे दे, माँ उसके ऊपर सर्वस्व निछावर कर दे, पर अगर बेटे का नाम माता बार बार लेती है तो उस बेटे की उन्नति तरक्की नहीं हो सकती, उसको जीवन में सुख नहीं मिल सकता, कुछ ना कुछ चीज से वो दुखी रहेगा, चाहे वो बच्चों से रहे, पत्नी से रहे, परिवार से रहे, कुटुंब से रहे, व्यापार में रहे, व्यवसाय में रहे, ऑफिस में रहे, चाहे अपने शरीर से रहे, पर दुख तो उसके भाग्य में थोड़ा लिखा ही रहे। और जो चीज वेदव्यास जी ने वर्णन कर दी महाराज, उसका प्रमाण आप खुद भी अपने घर में देखो कि सही है कि गलत है। जिस जिस घर में बड़ा पुत्र हो और मां उसका नाम बार बार लेती हो, बार बार लेती हो, उस पुत्र की दशा देखिएगा आप। तन मन और धन तीन तरह से, इसलिए निवेदन करूंगा मेरी माताओं से, आपका प्रेम बहुत है क्योंकि आपका बेटा बड़ा है, आपका पुत्र बड़ा है, आपका बहुत प्रेम है और बेटे का भी माता के प्रति बहुत प्रेम है, पर उस प्रेम में तुम्हारा जो संबोधन है बार बार नाम लेने का, उससे उसको तकलीफ हो सकती है, इसलिए निवेदन है। मेरे कृष्ण का नाम कृष्ण था पर यशोदा कभी कृष्ण नहीं बोली है, कभी नहीं, यशोदा कभी कृष्ण नहीं बोली, कनुआ कहती थी। आपके बेटे का नाम कुछ भी आप उसको नाम से मत पुकारो, उसका नाम चेंज कर दो, थोड़ा सा बदल दो, आप उस नाम से उसको पुकारना प्रारंभ, आप जो भी बोलना चाहे आपके दिल की बात है, तो आपके पुत्र से आप क्या बोल सकते हो। मेरी कौशल्या मैया राम को केवल राम ही कहती थी, केकई राघव कहती थी, सुमित्रा रघु कहती थी, पर कौशल्या नाम नहीं बदलता, और ज्येष्ठ पुत्र थे राम, बड़े थे, बड़े हुए बन जाना पड़ा, लौट कर आए, धोबी की वार्ता सुनकर सीता का परित्याग करना पड़ा, समय आया लक्ष्मण का त्याग करना पड़ा, और समय आया तो ये शरीर को ही सरयू में छोड़ना पड़ा। कहां से? स्कंद पुराण कहती है पति का नाम अगर नारी ले रही है तो तिल तिल भर उसकी उम्र घट रही है। पर ना जाने माताओं को ऐसा क्या है कि वो आज का फैशन हो गया, ए राघो इधर आ, राघो मिला। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल, नाम लेने में तिल भर की आयु बढ़ गई, ज्येष्ठ पुत्र का नाम लेने में उसकी समृद्धि, उसका जो वैभव है, उसका जो सुख है वो घट रहा है। तीसरा, जिस गुरु से गुरु मंत्र लिया है, गुरु दीक्षा ली है, जिस गुरु से आपने गुरु मंत्र का स्मरण किया है, जिस गुरु से आपने गुरु मुख हुए हैं, जिस गुरु से आपने गुरु मंत्र लिया है, आपने अगर मंत्र ले लिया, चार जगह पर बात निकले, कोई पूछ भी ले कि आपने गुरु मंत्र किससे लिया, तो बता दो भैया हम तो वहां गए थे, वहां का जो गुरु जी है उनसे हमने गुरु मंत्र लिया, वही हमारे गुरु है। नाम का स्मरण ना करते हुए उसकी पहचान बताने का प्रयास करो, वो ऐसे, वो वैसे, वो वहां रहते, उसका स्मरण।
गुरु का नाम लेने से क्या जाता है? महाराज शास्त्र कहता है गुरु जिसने मंत्र दिया उसका नाम मत लो, गुरु ने जो मंत्र दिया उसका नाम लो। बहुत ध्यान देना महाराज, दुनिया के लोग गुरु का नाम लेकर बैठे हैं, उन गुरु जी से मंत्र लिया था तो उन्हीं का नाम लिया जाए, श्री ये मान जी ये मान जी, अरे क्या नाम लेना, क्या नाम ले? हमें गुरु का नाम नहीं याद करना, हमें गुरु मंत्र याद करना, जो गुरु ने मंत्र दिया उसका स्मरण करना। क्या होता है, स्कंद पुराण कहती है जब माला जपने के लिए बैठते हैं तो गुरु का श्री विग्रह तुम्हारे सामने होना चाहिए कि हमने उन गुरु जी से मंत्र लिया है, और गुरु का नाम नहीं। गुरु मंत्र लेते समय गुरु का विग्रह सामने हो और मंत्र जो गुरु ने दिया है उसका स्मरण, उसका स्मरण। हम बार बार अगर गुरु के नाम का स्मरण करते हैं, हम बार बार गुरु का नाम लेते हैं, जिस गुरु से मंत्र लिया उसका नाम अगर हम बार बार ले रहे हैं तो हमारे घर में महाराज शांति टिकती नहीं है, थोड़ा सा क्रोध क्लेश थोड़ा बड़ा रहता। अगर तुम्हारे परिवार में तुम्हारे घर में कोई किसी की निंदा करता हो तो कह देना भैया हमको 24 तरह के नरक में नहीं जाना, तू चुपचाप हो जा, बिल्कुल चुप, 94 नरक में से 24 नरक निंदा के, केवल निंदा सुनना। और निंदा करने वाला तो केवल 4 नरक में गिरता है। क्यों 4 नरक में गिरता है? तो पूछा, निंदा करने वाले को ज्यादा पाप लगना चाहिए? नहीं, उसको कम लगता है। तो कम क्यों लगता है? तो अग्नि पुराण में लिखा कि निंदा करने वाला को 4 नरक का भोग इसलिए भुगताया जाता है क्योंकि जिसकी वो निंदा करता है उसके सारे पाप धुलता है। मतलब आप किसी की निंदा कर रहे हो तो उसके पाप धुल रहे हैं, किसके, जिसकी निंदा हो रही है। तो वो निंदा करने वाले को तो भगवान ने इसलिए पैदा करा क्योंकि तू पाप धोएगा, तो इसलिए उसको 4 नरक, और जो सुन रहा है अरे बोलो तो जम के, उसको 24 नरक। सब्सक्राइब करें पूरा 100% पाप कर्म तुम्हारे होंगे, आपको तो कमी लगा जिसने करी, और जो सुन रहा है उसको ज्यादा लगा। निवेदन करूंगा जिसकी किडनी गड़बड़ हो गई हो, जिसका लीवर गड़बड़ हो गया हो, जिसको डायलिसिस चल रहा हो और छूट नहीं रहा हो, बैकुंठ चतुर्दशी के दिन सब्सक्राइब करें हमारा चैनल। नदी के घाट पर, नदी तालाब सरोवर कुआं बावड़ी जो हो उसके तट पर 14 दीप लगाकर, पीपल के पत्ते पर शहद डालकर और उसमें एक काली मिर्ची शंकर जी का नाम डालकर बोलकर उसमें चढ़ा दें, उसी पत्ते की काली मिर्ची थोड़ा सा शहद घाट पर डाल दें और उस पत्ते को घर पर लेकर आ जाए। जिसको डॉक्टर ने कह दिया डायलिसिस होगा, किडनी लीवर गड़बड़ हो रहे हैं, बैकुंठ चतुर्दशी के दिन रात्रि को 14 दीप लगाकर जब घाट से आए, जिस व्यक्ति को रोग है बीमारी है उसको वो पत्ते समेत चटा देंगे, और फिर जाकर आप 8 दिन 10 दिन बाद जांच करवाओ, आपको उसका फल प्राप्त तो हो जाए। पर विश्वास रखकर, क्योंकि हरि और हर मिलन कोई साधारण नहीं है, बैकुंठ चतुर्दशी का हिंदू धर्म का एक एक त्योहार जो हमारे भगवान शिव ने निर्मित किया है। शंकर ने जिन बारों को बनाया, त्योहारों को बनाया, तिथियों को बनाया, घड़ी और पल बनाए, शिव महापुराण में सब लिखा है कि एक एक पल एक एक घड़ी एक एक तीर्थ का एक एक स्मरण जो करा गया है हमारे यहाँ, त्योहारों का तिथियों का वारों का नक्षत्रों का, ये शंकर ने करा, ये कोई सहज नहीं बना। की सहजता नहीं है।